नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सरस्वती परिवार में। मैं राम कुमार शास्त्री, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। संज्ञा प्रकरण की लगभग लास्ट सेकंड लास्ट कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे अगले हमारे 335 से लेकर के आगामी जो भी हमारे 365 तक 395 तक के सवाल हैं उनकी हम चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है मेरा आपसे पहला, ओदन पाणिनीया इत्यस्य अर्थ अस्ति। ओदन पाणिनीय किसको कहा जाता है, ओदन पाणिनीय शब्द किसके लिए आता है? तो प्यारे साथियों, यदि आपने पाणिनी परिचय को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने ये जाना होगा कि पाणिनी के जो शिष्य होते हैं उन पाणिनी के शिष्यों को, यानी पाणिनी के जो शिष्य होते हैं उन पाणिनी के शिष्यों को ओदन पाणिनीय कहा जाता है। पाणिनी के भवन को नहीं कहते, पाणिनी की रचनाओं को नहीं कहते, पाणिनी के भोजन को नहीं कहते, जो पाणिनी के शिष्य होते हैं उनको ओदन पाणिनीय कहा जाता है। अष्टाध्याय काशिकावृत्त रचयिता कः है? अष्टाध्यायी नाम की जो रचना आप सुनते हैं उनकी जो काशिकावृत्ति नाम की रचना उसकी टीका में लिखी गई, उस काशिकावृत्ति के रचनाकार का नाम क्या है? काशिकावृत्ति के रचनाकार एक व्यक्ति नहीं है बल्कि दो हैं, बादरायण नहीं, नागेश भट्ट नहीं, रंगोजी भट्ट नहीं, बल्कि एक व्यक्ति जयादित्य और दूसरा व्यक्ति कौन है, वामन। ये दो व्यक्ति हैं, इसलिए कई बार इनको जब एक साथ लिखा जाता है तब जयादित्य और वामन में द्विवचन का प्रयोग करते हुए हम लोग जयादित्य वामनों ऐसा लिखते हैं। तो जयादित्य और वामन ये दोनों हैं, रेट के लिए भी समान उपयोगी है, संज्ञा प्रकरण वर्ण विचार का मौलिक वो है, इसलिए सबके लिए उपयोगी। आचार्य पतंजलि मातुर नाम के मासे, आचार्य जो पतंजलि है उनकी माँ का नाम क्या है? वे उन्हीं की माँ का नाम के आधार पर पतंजलि का भी एक नाम पड़ा है। माता का नाम दाक्षी नहीं है क्योंकि दाक्षी पाणिनी की माता का नाम है, मांडवी पांडव और उनके उनमें प्रसंग में आता है। कात्यायनी कात्यायनी की माँ का नाम है, गौणी का जो है वो पतंजलि की माँ का नाम, और यही कारण है कि पतंजलि का एक नाम आप भविष्य में गौणी का पुत्र भी पढ़ते हैं। ठीक है भाई, सभी को नमस्कार और बहुत सारा प्यार प्रेम। वृत्तिकार रूपेण कह आचार्य प्रसिद्ध है, वृत्तिकार के रूप में कौन से आचार्य बहुत प्रसिद्ध हुए हैं? सूत्रकार के रूप में हम लोग ख्याति देते हैं पाणिनी की, भाष्यकार पतंजलि की, वृत्तिकार के नाम से जो प्रसिद्ध हुए हैं वो आचार्य आपको यहाँ पूछा है। कई लोगों को ध्यान ना हो शायद कि पाणिनी के अष्टाध्याय में केवल सूत्र हैं, उन सूत्रों का अर्थ लिखने का सबसे पहला काम आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने किया है। अर्थ को उन्होंने वृत्ति का नाम दिया है इसलिए इनको वृत्तिकार कहा जाता है। तो एक सूत्रकार हैं, एक वार्तिककार हैं, एक आपके भाष्यकार हैं और एक भाई साहब आपके भट्टोजी दीक्षित वृत्तिकार कहे जाते हैं। वृत्तिकार लिखा ऊपर, प्रक्रिया कौमुदी कस्य रचना अस्ति। प्रक्रिया कौमुदी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें शब्दों की रूप सिद्धि बताई गई, जैसे आपने पढ़ा होगा राम शब्द की सिद्धि कैसे हुई, पर राम से सु आया प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद पदत्वार्थम सु इसका, फिर आगे जाकर अनुबंध लोप किया, सकाश खर बसाने विसर्जनी, मतलब एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, तब जाकर आप लिखते हैं लास्ट में रामोह इति सिद्धम। ऐसे ही बहुत सारे शब्दों की रूप सिद्धि जिस शास्त्र में ग्रंथ में समझाई गई है उसका नाम है प्रक्रिया कौमुदी, और प्रक्रिया कौमुदी के जो रचनाकार है उनका नाम है रामचंद्र आचार्य। हम बड़े प्यार से इनको रामचंद्र आचार्य कहते हैं। प्रक्रिया कौमुदी आगे जो माहेश्वरी परंपरा दो भागों में बढ़ जाती है, प्रक्रिया अनुसारिणी और एक आपकी सूत्रानुसारी। सूत्रानुसारी परंपरा में काशिका वृत्तिकार आदि का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है, और प्रक्रिया कौमुदी में प्रक्रिया कौमुदी नाम की जो रचना उसका लिया जाता है, और रामचंद्र आचार्य इनके महान लेखक हैं। लक्ष्य लक्षणी व्याकरणम इत्यत्र लक्ष्यति पदस्य को अर्थ है। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के बारे में विस्तार से आप लोग भूमिका में चर्चा करते हो तो वहां लिखा होता है कि व्याकरण क्या है, तो महाभाष्यकार कहते हैं लक्ष्य लक्षणी व्याकरणम, लक्ष्यम च लक्षणम च व्याकरणम भवति, अर्थात लक्ष्य भी व्याकरण है और लक्षण भी व्याकरण है। लक्ष्य और लक्षण दोनों को ही व्याकरण कहा गया है। तो यहां मैंने पूछ लिया आपसे कि भाई लक्ष्य और लक्षण में दो शब्द है तो लक्ष्य का मतलब क्या है? सर, लक्ष्य वो है जो आप सीखना चाहते हैं, आपका जो साध्य है। हम व्याकरण बिल्कुल भी नहीं पढ़ते यदि हमें शब्दों का ज्ञान किसी और माध्यम से होता, हम शब्द या भाषा सीखना चाहते हैं, सिखाने का काम हमारा जो है सूत्र करता है, लक्षण करता है। लेकिन याद रहे जो लक्षण हम कहते हैं वो हमारा शब्द है, शब्द यानी इसको आप उदाहरण भी कह सकते हो। तो शब्द लक्ष्य है यानी उदाहरण लक्ष्य होता है, सीखना हम उदाहरण चाहते हैं शब्द चाहते हैं, दोनों ही उत्तर होने के कारण आपका वास्तविक उत्तर निकल के आएगा लास्ट में ब तथा स। ध्यान रहे सर, शब्द भी वही होता है उदाहरण भी वही, एक ही बात है, दोनों ही उत्तर है, इसलिए अंत में ये जो लिखा है ब तथा स यानी द उत्तर हो जाएगा आपका। व्याकरण शास्त्र से आदि ग्रंथ वर्तते, व्याकरण शास्त्र का सबसे आदि ग्रंथ कौन है? हम जानते हैं कि आदि आचार्य के नाम से, आदि मुनि के नाम से पाणिनि प्रसिद्ध हुए, उन्होंने आगे जाकर व्याकरण की परंपरा को अपने शिष्यों को पढ़ाया, आगे दुनिया को दिया, इसलिए जो आदि ग्रंथ है वो भी भगवान पाणिनि का ही माना जाएगा और उसका नाम आप सब जानते हैं अष्टाध्यायी है। तो संस्कृत व्याकरण का आदि ग्रंथ जिसको कहते हैं उस रचना का नाम अष्टाध्यायी है।
अष्टाध्याय कस्मिन अध्याय सूत्र संख्या सर्वाधिका वर्तते। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा अष्टाध्याय में अध्यायों की संख्या 8 है और 8 अध्याय में सभी में समान सूत्र तो है नहीं, किसी में कम है तो किसी में ज्यादा है। बोला सर कम ज्यादा किस में है, तो आप लोग पढ़ेंगे अष्टाध्यायी के कौन से अध्याय में सूत्रों की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आप सब पढ़े होंगे सट्टा और छठा दो ऐसे अध्याय है जहां सूत्रों की संख्या सबसे कम और ज्यादा है। आप लोग पढ़ेंगे कि द्वितीय जो अध्याय है आपका उसमें सूत्रों की सर्वाधिक संख्या 736 है और जो छठा अध्याय उसमें सबसे कम सूत्र आपके 268 हैं। तो अष्टाध्यायी का द्वितीय अध्याय सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो अध्याय वो आपका छठा है 268 सूत्रों के साथ में। गलत तो नहीं हो रहा कहीं? अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सूत्र संख्या सर्वाधिक है? छठे अध्याय में, दिमाग से निकल गया मेरे भी, उल्टा नहीं बोल दिया कहीं मैंने, दूसरे अध्याय में 268 है, हाँ उल्टा हो गया। ठीक है, अष्टाध्याय के किस अध्याय में सूत्र संख्या ज्यादा है? तो छठे अध्याय में 736 आपके सूत्र हैं, द्वितीय अध्याय में 268 ये जहां तक। ठीक है, तो छठे अध्याय में सबसे ज्यादा सूत्र है इसलिए इसका उत्तर छठा अध्याय होगा। देख लेना एक बार, थोड़ा दिमाग में भ्रम है। वैयाकरण है इत्यस्य अर्थः वर्तते। वैयाकरण का मतलब क्या होता है? वैयाकरण शब्द जो होता है, ठीक है छठा अध्याय है कोई बात नहीं, छठे अध्याय में सबसे ज्यादा हो गया वो आपके 736 हैं और दूसरे अध्याय में सबसे कम है उसमें 268 की संख्या है। ठीक है भाई, सही कर लेना आप सभी। आगे बढ़ता हूं मैं, व्याकरण का मतलब क्या होता है? देखो व्याकरण शास्त्र है ना, हाँ ठीक है, अब हो गया सही है हमारा। द्वितीय अध्याय में सबसे कम 268 है और छठे अध्याय में सबसे ज्यादा 736 है। व्याकरण किसको कहते हैं? तो व्याकरण एक शास्त्र है, एक साधन है, एक लक्षण है और व्याकरण को जो पढ़ता है, जानता है, समझता है, सीखता है उसको व्याकरण कहते हैं। तो तद अधीते तदवेद एक सूत्र है जो कहता है कि व्याकरण को जो अधीते मतलब पढ़ता है और वेत्ति मानी जो जानता है उसी को बताओ हम क्या कहते हैं, व्याकरणम अधीते वेत्ति वायति वैयाकरण। यहां व्याकरण शब्द से एक अण प्रत्यय का विधान किया जाता है, अण प्रत्यय करने के कारण व्याकरण में जो आगे दिखाई दे रहा है आपको व्या, उसको वही आई आदेश हो जाता है, इसलिए व्याकरण शब्द का निर्माण होता है। अच्छा आप लोगों को एक विशेष और बताता हूं या पूछ लेता हूं मैं कि व्याकरण को पढ़ने वाला व्याकरण कहलाता है लेकिन इस व्याकरण का दूसरा नाम क्या है? एक नाम आप और दे सकते हैं इसको, तो व्याकरण को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? चलिए मुझे अच्छा लगा कि अधिकांश लोगों की डीपी जो है सरस्वती माँ का पुत्र है, बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों ने मेरी बात मानी है और अपने अपने जो भी ये जो फोटो हम लोगों को दिखता है आइकन में वहाँ सरस्वती का मुझे दिख रहा है लोगों, लेकिन फिर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी है कि नहीं। रीट का भी हम सोच रहे हैं आपकी बार एक नए सिरे से चालू करेंगे आप लोगों के लिए, संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित हम थोड़ा सा काम करेंगे, 1.5 घंटे क्लास लगाने की सोच रहे हैं जिसमें 45 से 50 मिनट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की हो जाएगी और साथ में संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित टेस्ट सीरीज भी आपका हो जाएगा। उत्सुकता आप लोगों की रही और आप सच में चाहते हैं कि सर हमारे लिए ऐसा होना चाहिए तो आप लोगों के लिए काम जरूर करेंगे हम, ठीक है। और अच्छी बात है कि आज बहुत सारे लोगों में देख रहा हूँ सरस्वती का लोगो लगा हुआ है, मारवाड़ का मस्ताना भी लगा रखा है, लेकिन कई सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक मेरी बात पर गौर नहीं किया है, आप लोग लगाइएगा अच्छा लगेगा आपको। हाँ तो मैं आपसे पूछ रहा था कि वैयाकरण का दूसरा नाम क्या है, अभी तक बताया नहीं, कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ कि जो शब्द को जानता है वो भी वैयाकरण है और जो व्याकरण को जानता है वो भी वैयाकरण है, इसलिए सर हम वैयाकरण को दूसरी भाषा में एक नाम और देते हैं और वो नाम बताइए क्या है आपका, शाब्दिक। याद रखिएगा शब्द को जो जानता है वो शाब्दिक है, व्याकरण को जो जानता है वैयाकरण है ना भाई, इसलिए यहाँ पर ये शाब्दिक कहो चाहे वैयाकरण कहो बात एक ही है। आचार्य भट्टोजी दीक्षित से पितुः नाम आसीत। आचार्य भट्टोज दीक्षित जो है उनके पिताजी का नाम आपसे पूछा था, हमने सीखा था कि उनके गुरु का नाम तो शेष कृष्ण था, दुर्गातन या आदरणीय वरदराज के पिताजी का नाम था और भट्टोज जो दीक्षित है उनके पिताजी का नाम लक्ष्मीधर भट्ट है, तो भट्टोज दीक्षित का जो पिताजी हैं उनका नाम लक्ष्मीधर भट्ट है। कौमुदी यदि आयाति वृथा खालिस्तान परिश्रम, एक बहुत ही लाटानुप्रास अलंकार का एक बहुत अच्छा श्लोक और कारिका आती है, लघु सिद्धांत कौमुदी का महत्व बताते हुए समझाया गया इसमें कि यदि लघु सिद्धांत कौमुदी आती है तो फिर आपको मावाज से पढ़ने की जरूरत नहीं है और लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं आती है तो भी आपको मावाज से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदी आती है फिर मावाज से क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी से आपका काम हो जाएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं आती फिर मावाज से क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि पढ़ोगे तो भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी अपने आप में एक बहुत ही बेसिक ग्रंथ है। तो यहाँ कौमुदी यदि आयाति व्रथा भाष्य परिश्रम, फिर आपको भाष्य में महावास्य में पढ़ने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। 346
व्याकरण शास्त्र से प्रथम प्रकरण ग्रंथ वर्तते। व्याकरण शास्त्र का पहला प्रकरण ग्रंथ क्या है? नाटक की भाषा में प्रकरण उसको कहते हैं जिसमें अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 अंक। लेकिन ये तो कोई रूपक उपरूपक तो है नहीं, ये तो व्याकरण शास्त्र की बात है। तो व्याकरण शास्त्र में प्रकरण ग्रंथ क्या होता है? इसका मतलब है किसी विशेष व्याकरण के ग्रंथ को आधार बनाकर के यदि आप कोई दूसरा व्याकरण ग्रंथ लिखते हो तो उसको प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। सबसे पहले व्याकरण की रचना अष्टाध्यायी थी, अष्टाध्यायी को आधार बनाकर के इसकी टीका और व्याख्या लिखने का काम सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने किया। इसलिए अष्टाध्यायी की व्याख्या भी भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी है, और अष्टाध्यायी का पहला प्रकरण ग्रंथ किसको माना जाता है? सिद्धांत कौमुदी को। आगे जाकर अष्टाध्यायी को ही आधार बनाकर के लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा गया। तो जब किसी व्याकरण के ग्रंथ को आधार बनाकर कोई दूसरा व्याकरण का ग्रंथ लिखा जाता है ना, तब उसको प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। तो पहला प्रकरण ग्रंथ कौन था? सिद्धांत कौमुदी, और दूसरा कौन था? लघु सिद्धांत कौमुदी। पहला पूछा इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी आपका उत्तर हो जाएगा। सूत्रानुसार भी पदे सूत्रार्थ कुत्र वर्णेते, आपने लक्षण पढ़ा होगा सूत्र क्या है, वार्तिक क्या है, भाष्य क्या है, तो वहां लिखा है सूत्रार्थो वर्णेते यत्र पदे सूत्रानुसार भी स्वपदानि च वर्णन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदु। जहां सूत्र के पदों के अनुसार सूत्र का अर्थ किया जाता है और लगे हाथ अपने भी पदों को रखकर अपनी बात को रखकर उसका भी अर्थ किया जाता हो, इस विधा का नाम ही व्याकरण शास्त्र में भाष्य है। ये भाष्य का लक्षण है जो आपको पहचानना था। अगला है प्रश्न आपके लिए सिद्धांत कौमुद्या टीका वर्तते। सिद्धांत कौमुदी, देखो सिद्धांत कौमुदी अपने आप में अष्टाध्यायी की टीका है, लेकिन सिद्धांत कौमुद्या टीका का मतलब सिद्धांत कौमुदी की टीका कौन सी है? सिद्धांत कौमुदी की दो प्रमुख टीकाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी, एक का नाम प्रौढ़ मनोरमा जिसको लिखने वाले स्वयं आदरणीय भट्टोजी दीक्षित हैं, यानी खुद की रचना के ऊपर खुद ने टीका लिखी, और एक टीका आपकी बाल मनोरमा है जो वासुदेव दीक्षित की है। देखो दोनों के आगे यदि आप देख पा रहे हो तो एक शब्द बहुत कॉमन है, प्रौढ़ मनोरमा। ये वृद्धों को बहुत अच्छी लगती है, जो ज्ञान में वृद्ध है, व्याकरण बहुत पढ़ लिया हो, लेकिन बच्चे लोग हम जैसे ऐसे लोगों के लिए मनोरम कौन है? तो बाल मनोरमा है। तो बहुत अधिक स्पष्ट व्याख्या किसमें की गई? बाल मनोरमा में, इसलिए इसका नाम ही बाल मनोरमा है। बालकों को अच्छी लगे और प्रौढ़ों को अच्छी लगे प्रौढ़ मनोरमा। इसके लेखक का नाम वासुदेव दीक्षित है और इसके लेखक स्वयं भट्टोजी दीक्षित है। दोनों ही सिद्धांत कौमुदी की बहुत अच्छी व्याख्याएं हैं, एक प्रौढ़ों के लिए, एक बच्चों के लिए। अगला सवाल है 49 नंबर पे कि भट्टोजी दीक्षित से निवास स्थानम वर्तते। भट्टोजी दीक्षित का जो निवास स्थान है वो कहाँ माना जाता है? भट्टोजी दीक्षित को और वरदराज दोनों ही आपके साउथ इंडिया के यानी दक्षिण भारत के निवासी हैं, इसलिए इनको दाक्षिणात्य, पतंजलि को भी दाक्षिणात्य कहा जाता है। भट्टोजी दीक्षित का निवास स्थान महाराष्ट्र है। कहाँ मानते हैं इनका निवास? महाराष्ट्र के निवासी माने जाते हैं। सार सिद्धांत कौमुदी के रचयिता का नाम बताओ। हम पढ़े लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी, तीन प्रकार की रचनाएं आप लोगों नाम सुनी होगी, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी हमारे सिलेबस का पार्ट है, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी को सिर्फ हम रचनाकार के रूप में, रचनाओं के रूप में याद रखते हैं। उसके लेखक का नाम आदरणीय वरदराज जी है। 51 नंबर का प्रश्न है, इह पुष्य मित्रम याजयामः, ये पुष्य मित्र के यहाँ यजमान के रूप में रहे हैं, ये पंक्ति किसके बारे में कही गई है? इस उक्ति बताओ किस आचार्य के बारे में? तो आपको कल की टेस्ट सीरीज में बताना था मैं कि पुष्य मित्र जो राजा पाटलिपुत्र के उनके राज दरबार में निवास करने वाले आदरणीय हमारे कौन? पतंजलि है। महाभाष्यकार पतंजलि का नाम पुष्य मित्र के साथ जुड़ा होता है ना, तो पतंजलि के बारे में ये बात आती है। पद शेषकार के रूप में कौन से आचार्य प्रसिद्ध हैं भाई? पद शेषकार, पदकार, चूर्णिकार आदि किसके नाम मिलते हैं? छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे कथनों से सिद्धांत निरूपण करने के कारण हमारे आदरणीय भगवान पतंजलि को हम पद शेषकार, पदका या चूर्णिकार आदि नामों से जानते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, पाणिनि समकालिका आचार्य वर्तते। पाणिनि के समकालीन आचार्य कौन माने जाते हैं? अलग अलग रचनाओं में अलग अलग उद्धरण मिलता है। युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार इनके निवास स्थान के बारे में, पंचतंत्र के अनुसार भगवान पाणिनि को सिंह खा गया था इसके बारे में, और भी हितोपदेश आदि रचनाओं में लिखा है कि दोनों समकालीन है, इसलिए इनके गुरु का नाम ही उपवर्ष एक ही माना जाता है। दो समकालीन या पाणिनि के समकालीन किसको माना जाता है? तो ऐसा माना गया है कि पाणिनि और कात्यायन दोनों सहपाठी हुआ करते थे और एक ही गुरु से पढ़े हुए, इसलिए इनके गुरु का नाम वर्षाचार्य वर्ष या उपवर्ष आप लोगों ने पढ़ा होगा। दोनों की शिक्षा दीक्षा एक ही जगह से होती है, तक्षशिला से आप पढ़े हैं, आपने नालंदा में जाकर शिक्षण कार्य करवाया, तो दोनों सहपाठी समझे जाते हैं। हालांकि दोनों के बीच में एक बहुत लंबा समय भी आप मानते हैं, इसलिए लगता नहीं कि प्रामाणिकता है, लेकिन जैसा हमको परीक्षा में पूछा जाएगा इसलिए हमें पढ़ना है। पाणिनि मृत्यु कश्याम तिथो अभूत, पाणिनि की मृत्यु कौन सी तिथि को हुई थी? ऐसा मिलता है पंचतंत्र में कि सुबह सुबह जो है भगवान पाणिनि अपने नित्य कर्म करने जा रहे थे, वहीं लिखा सिंगो करतु अहरत प्राणान प्रियान पाणिनि,
सिंह ने भगवान पाणिनि के प्राण हर लिए। कौन सी तिथि की बात है? शुक्ल पक्ष की वो तिथि जिसका नाम त्रयोदशी है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के उस मनहूस घड़ी में हमारे आदरणीय पाणिनि का इंतकाल हुआ, और यही कारण है कि आज भी जितने भी गुरुकुल आदि होते हैं उनमें त्रयोदशी के दिन संस्कृत व्याकरण का पठन पाठन वर्जित है। क्यों? क्योंकि हमारे उस दिन आचार्य पाणिनि इस दुनिया से विदा हुए, इस शोक में हम उस दिन व्याकरण को नहीं पढ़ते हैं। पाणिनि ही कुत्र शिक्षा लब्धवान, पाणिनि की शिक्षा कहाँ पर पूरा हुई? नालंदा तक्षशिला या फिर विक्रमाशिला या बिहार विश्वविद्यालय। तो पाणिनि और कात्यायन दोनों की शिक्षा जो मानी जाती है वो तक्षशिला मानी जाती है, और तक्षशिला वर्तमान रावलपिंडी पाकिस्तान, वहां पर ऐसा माना जाता है कि वो जगह है। आप पाणिनि भगवान यहीं पढ़ करके थोड़ा समय आपने यहाँ पढ़ाई लिखाई भी करवाई, और बाद में आचार्य पद यानी पढ़ाने का विशेष काम आपने नालंदा में करवाया। तो पाणिनि की शिक्षा दीक्षा कहाँ होती है? तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई। बृहस्पति व्याकरण से ज्ञानम कस्मै प्रोवाच, आपने पढ़ा है कि बृहस्पति परंपरा में आदि प्रवक्ता आदि प्रवर्तक आदि प्रणेता सबसे पहले ज्ञान किसके पास था? ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने यह ज्ञान किसको दिया? बृहस्पति को। तो बताइए बृहस्पति ने व्याकरण का ज्ञान किसके लिए दिया? तो ये कई बार समझ में भी नहीं आता कि उल्टा पूछ रहा है कि सीधा पूछ रहा है। यहाँ प्रथमा है, तो बृहस्पति ने व्याकरण का ज्ञान किसके लिए दिया? तो बृहस्पति ने यह ज्ञान आगे जाकर के किसके लिए दिया था? बृहस्पति इंद्राय। बृहस्पति ने यह ज्ञान एक एक शब्द का पाठ करते हुए, शब्द पाठ परंपरा से, लक्ष्य परंपरा से, साध्य परंपरा से, यानी ऐसा का ऐसा सही सही शब्दों का और गलत शब्दों का पाठ इंद्र के लिए किया। अगला है कि व्याकरण से सर्वाधिक प्रामाणिक मुनि वर्तते, व्याकरण शास्त्र में सबसे ज्यादा प्रामाणिक मुनि कौन माने जाते हैं? हमारे आदरणीय आराध्य हैं पाणिनि, इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि शायद पाणिनि की बात सर्वोपरि माननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लिखा है यथा उत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, जैसे जैसे आप बाद वाले मुनि की ओर जाएंगे उसकी प्रामाणिकता बढ़ती जाती है। यथा उत्तरम शब्द बन गया आपका यथोत्तरम, मुनि नाम प्रामाण्यम, मुनि नाम यानी उस मुनि का प्रामाणिकता मानी जाती है। ठीक है, यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम। इस आधार पर जैसे जैसे, यानी पाणिनि से कात्यायन को प्रामाणिक मानना चाहिए, कात्यायन और पाणिनि से पतंजलि को प्रवर्तक मानना चाहिए, इसलिए तीनों मुनियों को यदि आप देख, फिर आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा प्रामाणिक तो ये होने चाहिए, त्रिमुनि के संदर्भ में केवल याद करना है, और त्रिमुनि में सबसे ज्यादा प्रामाणिक किसको माना गया है? आदरणीय पतंजलि को माना गया। ठीक है, ये रेट के भी काम के हैं भैया, ऐसा नहीं कि रेट के काम के ही नहीं बिल्कुल भी। भारद्वाज है व्याकरण से ज्ञानम कस्मात गृहीतवान, देखो उल्टा पूछा आपकी बार कि भारद्वाज ने व्याकरण का ज्ञान किससे ग्रहण किया, तो भारद्वाज के लिए व्याकरण का ज्ञान किसने दिया? बोला इंद्र ने दिया, तो इंद्रात अर्थात इंद्र से ग्रहण किया। तो इंद्र ने किसको दिया था? भारद्वाज ने, भारद्वाज को दिया था। तो भारद्वाज ने किससे ग्रहण किया? इंद्र से ग्रहण किया। व्याकरण से प्रथमो मुनि कह, व्याकरण शास्त्र में पहला मुनि प्रथम आचार्य किसको कहा जाता है? तो आप सब पढ़े हैं कि भगवान महेश्वर से 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त करने के बाद प्रत्याह रचना करके, सूत्र रचना करके अष्टाध्यायी लिखने वाले वो महामुनि, प्रथम मुनि आदरणीय भगवान कौन माने जाते हैं? पाणिनि माने जाते हैं। इसलिए आदि मुनि के रूप में सबसे पहले प्रसिद्धि बताओ किसकी होती है? आदरणीय पाणिनि की होती है। गोनर्द इति नामनि स्थाने कस्य जन्म अभूत, गोनर्द या गोंडा प्रदेश जो आपके यूपी के आसपास का क्षेत्र है, जिला भी है गोनर्द, गोनर्द जिसको हम गोंडा प्रदेश भी कहते हैं, और यूपी का एक जिला है गोनर्द प्रदेश। तो यूपी के इस जिले में जन्म पाने वाले कौन है? निवासी तो आप पाटलिपुत्र के रहे हैं, लेकिन आपका जन्म गोनर्द प्रदेश में हुआ, तो आपको याद रखने उस महान आत्मा का नाम क्या है? पतंजलि। और सर यही कारण है कि पतंजलि का जन्म गोनर्द प्रदेश में होने के कारण आपको एक नाम दिया गया गोनर्दीय, भारत के वासी हो भारतीय कहलाते हो। सलातुर में जन्म लेने वाले पाणिनि सलातुरीय कहलाते हैं, आप गोनर्द में जन्मे हो आपका नाम गोनर्दीय भी हो जाता है। त्रिमुनि एतेषु विरोधे सति प्रामाण्यं भवति, तीनों मुनियों में विरोध हो जाए, तीनों मुनियों की बात कहीं फिट नहीं होती, तीनों मुनियों के अलग अलग विचार हो, तो किसकी बात को ज्यादा प्रामाणिक मानते हो आप? पहले वाले सवाल के समान ही भावना वाला है, तो थोड़ा पूछने का ट्रेंड अलग है कि त्रिमुनियों में विवाद हो तो किसकी बात को प्रमाणिक माने? तो यथा उत्तरोत्तरम, यदि जैसे जैसे बाद वाला मुनि जाएगा वैसे, यानी पहले पाणिनि और कात्यायन में कात्यायन की बात, और पाणिनि कात्यायन पतंजलि में हमेशा पतंजलि की बात। तो यथा उत्तरम प्रामाण्यम, जैसे जैसे बाद के मुनि की तरफ जाएंगे प्रामाणिकता बढ़ती जाती है। सूत्र से कति लक्षणानि सन्ति, सूत्र के कितने लक्षण? हम लोग पूरी व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण में केवल सूत्र पढ़ते हैं, और उन सूत्रों में हम सारा का सारा हमारा सिलेबस निकालते हैं, और वही परीक्षा में आता है आखिर सूत्र है क्या। तो आपने पढ़ा होगा कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्वत विश्वतो मुखम अस्तुभम अनबद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदो। तो सूत्र के टोटल मिलाकर के 6 लक्षण बताए गए हैं। अल्पाक्षरम होना चाहिए, असंदिग्ध संदेह रहित होना चाहिए, सारांश को कहने वाला होना चाहिए, विश्वतो सर्वतोभावेन प्रभावी या बहुत अधिक व्याख्या वाला होना चाहिए, अस्तुभम निर्दुष्ट होना चाहिए, और अनबद्यम निंदा से रहित होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं।
एतेषु नदी संज्ञकम पदम न वर्तते। निम्न में से किसकी नदी संज्ञा नहीं होती है। नदी संज्ञा को समझने के लिए पहले नदी संज्ञा सूत्र को समझना पड़ता है। सूत्र है यू श्राख्यौ नदी। कहते हैं श्राख्यौ स्त्रीलिंग में रहने वाला, नित्य स्त्रीलिंग में रहने वाला, हमेशा जो स्त्रीलिंग में ही रहता हो ऐसा। यू का मतलब दीर्घ ई और उकारांत, ऐसे शब्द जो नित्य स्त्रीलिंग में रहते हो और दीर्घ इकार और दीर्घ उकार अंत वाले हो उनकी नदी संज्ञा होती है। जैसे नदी शब्द को ही ले लो आप, सूची शब्द को ले लो आप, वधु को ले लो आप, तो ऐसे शब्दों को नदी संज्ञा कहते हैं। तो कुमारी दीर्घ इकार नित्य स्त्रीलिंग शब्द है बकायदा, गौरी शब्द दीर्घ इकार स्त्रीलिंग शब्द है, गार्गी नित्य स्त्रीलिंग दीर्घ इकार शब्द है, युवती शब्द स्त्रीलिंग तो है लेकिन ये आपका दीर्घ इकारांत नहीं है, इसलिए युवती की नदी संज्ञा नहीं होगी। घी संज्ञकम वर्तते। बोला घी संज्ञक को समझने के लिए पहले सूत्र समझना पड़ेगा। सूत्र है शेषो घ्य सखी। शेषो माने शेष जो बच जाते हैं वो सारे के सारे घी, लेकिन असखी। कहा कि दीर्घ इकारांत उकारांत की नदी संज्ञा होती है, कोई बात नहीं, हम ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत ले लेते हैं। शेष का मतलब ह्रस्व इकारांत और उकारांत, और वो भी कौन से, त्रिलिंग में रहने वाले। कोई जरूरी नहीं कि साहब वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों लिंगों में रहने वाले इकारांत और उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है, लेकिन सखी शब्द को छोड़कर, क्योंकि सखी शब्द भी कहीं ना कहीं इकारांत कहा गया। तो कहा कि घी संज्ञा का बताओ कैसे कैसे, तो सखी की तो होती नहीं, सूत्री काट देता है। सेनापति की और लक्ष्मी की होती नहीं है क्योंकि दीर्घ इकारांत है, और कहा कि पति भी तो इकारांत इसकी होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे सर पति केवल आ जाए तो उसकी घी संज्ञा नहीं होती जब तक उसका समास नहीं होता। नियम है पति समासे एव, यानी पति शब्द की घी संज्ञा होगी लेकिन कहां होगी, केवल समास में ही होगी। यदि समास नहीं और केवल पति शब्द दिया जाए तब उसकी घी संज्ञा नहीं होती है। तो पति की केवल पति की अकेले की नहीं होती, पति को किसी के साथ जोड़ना पड़ता है तब जाकर की संज्ञा होती है। तो पति की घी संज्ञा नहीं होती, सखी को शब्द में काट रखा है, लक्ष्मी की घी संज्ञा नहीं होती, दीर्घ कारण शब्द है। सेनापति जो आपका शब्द है उसकी घी संज्ञा हो जाएगी क्योंकि समास है, सेना का पति सेनापति, तो सेनापति भूपति भूमिपति प्रजापति राष्ट्रपति इनकी हो जाती है। कस्य प्रत्ययस्य सर्वापहारी लोपो भवति, किस प्रत्यय का सर्व अपहारी लोप हो जाता है। उत्तर बताने से पहले यह समझना जरूरी होगा सर्वापहारी लोप कहते किसको हैं। जिस किसी प्रत्यय में या किसी में भी सभी वर्णों का क्रमशः इस संज्ञा होकर लोप हो जाए, कुछ बचे ही नहीं, सब खत्म, उसको सर्वापहारी लोप कहते हैं। और वो ऐसा प्रत्यय बताओ कौन है, क्यों क्यों टै में तो टै की संज्ञा होती लेकिन ए बसता है, श में भी आपका ए बसता और डै में भी आपका ए बसता, लेकिन क्यों प्रत्यय में पहले क की संज्ञा होती है फिर आपका वप बसता है, ई की संज्ञा होती है, इस प्रकार होता है। देखो कै को लसक व तदित खाएगा, ई को उपदेश अजुनासिक इत खाएगा, पै को हलंत्यम खाएगा, और वह की संज्ञा आप लोगों को नहीं पता है, मुझे पता है आपने इतना ही पढ़ा होगा इतना ही सीखा होगा, मैं बता देता हूं। जब किसी प्रत्यय में केवल वही बचे तो उसकी संज्ञा वेर प्रत्यक्ष सूत्र से हो जाती है और वह भी खत्म। तो कै व ई पा सब खत्म, इसका मतलब पूरा का पूरा प्रत्यय खत्म, इसको कहते हैं व्याकरण शास्त्र में सर्वापहारी लोप करना। और ये होता है कौन से प्रत्यय का, के प्रत्यय का। अब आप सोच रहे होंगे जब सारा ही लोप करना है तो फिर प्रत्यय बनाए ही क्यों, लगाए ही क्यों, तो लगाते हैं। ऐसा लगाने से कई बार उसकी पद आदि संज्ञा हो जाती है, शब्द रूप आदि में काम आता है, तो सब प्रयोजन से होता है, बिना बात का व्याकरण में कुछ नहीं होता। सामान्य अपवाद विद्यो बलवान भवति, सामान्य का मतलब सामान्य नियम, जैसे एको अणची है आदिगुण है, और अपवाद का मतलब जो सामान्य नियम को रोकता है, जैसे उदाहरण के लिए कोई भी सामान्य को जो रोक लेता है, जैसे यण संधि और गुण संधि का बाद कौन होती है आपकी वृद्धि और दीर्घ संधियां होती हैं, तो जो अपवाद संधियां होती है जैसे अयादि संधि को रोकने के लिए आपने पुररूप बना रखा है और वृद्धि संधि को रोकने के लिए आपने पररूप बना रखा है, तो जो अपवाद होती है और सामान्य होती है इन दोनों में बलवान कौन है। तो आप सब जानते हैं कि सामान्य नियम पर हमेशा अपवाद भारी पड़ती है, तो सर दोनों में बलवान कौन सी विधि होती है, अपवाद विधि, यानी सामान्य नियम प्राप्त हो रहा है ना, और अपवाद भी प्राप्त हो रहा है, तो आप सामान्य नियम को रोकेंगे और अपवाद का काम करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मान के चलिए आप कोई भी पढ़ रहे हो सामान्य, जैसे प्र प्लस आप पढ़ते हो ए धते, अब यहां पर बताइए सर वैसे तो आपका पररूप होना चाहिए ना, लेकिन ए धेतु में अपवाद आपने पढ़ा कि नहीं, यहां पर मुझे वापस वृद्धि ही कहनी है, तो आपको प्रायधते बनाना पड़ता है। अपवाद नियम हमेशा भारी होता है, हावी होता है। अनुबंध रूपेण किम ज्ञायते, अनुबंध किसको कहते हैं, अनुबंध का मतलब होता है अनुबंधन करना, गठजोड़ करना। याद रखिएगा कई सारे धातु प्रत्यय आगम आदेशों में ऐसे कुछ वर्ण जोड़े जाते हैं जिनकी संज्ञा होती है और इस संज्ञा के बाद उनका लोप हो जाता है, तो याद रखना जिसकी संज्ञा होकर लोप हो जाता है उसी को अनुबंध कहा जाता है, यानी जिसकी संज्ञा होती है उसी को अनुबंध कहा जाता है। तो अनुबंध के रूप में किसको जाना जाता है, इस संज्ञा योग्यत्वम, यानी जिसकी संज्ञा होती है उसको अनुबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको परीक्षा में ऐसा भी प्रयोग करके पूछा जा सकता है कि बताओ डुक्रिय में किस किस का अनुबंध है, तो अनुबंध क्या है, जिसकी संज्ञा होती है अनुबंध होता है। यहाँ यह किस संज्ञा, इसलिए ये भी अनुबंध है, ढू की संज्ञा इसलिए ये भी अनुबंध है, क्री की संज्ञा नहीं होती, क्री अनुबंध नहीं है,
तो अनुबंध का मतलब जो जोड़ा जाता है, मूल में नहीं था लेकिन बाद में पाणिनि कात्यायन आदि ने उसको जोड़ा किसी कारण के लिए, जैसे यह को जोड़ा ताकि उभयपदी धातु हो जाए, डू का भी कोई प्रयोजन होता होगा, तो जिसकी संज्ञा हो जाती है उसको अनुबंध कहा जाता है। पदानाम अध्याहार कथ्यते, जब किसी सूत्र का अर्थ किया जाता है तो कई बार उस शब्द को अर्थ तो इतना बड़ा होता है, हम सोचते हैं यार सूत्र में तो हलंत्य में लिखा था, और आप करें उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इस संज्ञा होती है, तो सूत्र में तो अंतिम हल कहा, ये उपदेश और इस संज्ञा कहां से आ जाता है, तो हम कहते हैं साहब उपदेश से अजनुनासिक इत में उपदेश और इत को लेकर के हमारा सूत्र हो जाता है उपदेश से हलंत्यम इत। बोला ऐसे कैसे हो जाता है, बोला ऐसा होता है पूर्ववर्ती सूत्रों से परवर्ती सूत्रों में, यानी पहले वालों से बाद वाले सूत्रों में, जब किसी पद पद दो पद की अनुवृत्ति कर ली जाती है यानी उनका ग्रहण कर लिया जाता है, तो पदों का अध्याहार ग्रहण करना क्या कहलाता है, व्याकरण शास्त्र में अनुवृत्ति कहलाती है। जैसे हलंत्यम सूत्र में उपदेश और इत की अनुवृत्ति आती है, ऐसे बाकी के सारे सूत्रों में उपदेश और इत की अनुवृत्ति जाती है। भाई पहले सूत्र में तो उपदेश अजनुनासिक इत कहा, बाद में तो कहां कहा, आदि टूडा में कहां लिखा इत, नहीं लिखा है ना, सह प्रत्यय में कहां लिखा इत, तो वो अनुवृत्ति कहलाती है। लेकिन ध्यान रहे यदि पूरा का पूरा सूत्र ही आ रहा हो तब उसको अधिकार सूत्र कहा जाता है, अनुवृत्ति नहीं कहते हैं, यदि पूरे सूत्र को ही ग्रहण कर रहे हो तो अधिकार सूत्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, सुमेलितम युग्मम नास्ति, कौन सा युग्म सही नहीं है, सुप्रत्यय 21 होते हैं कोई डाउट नहीं है, तिंग 18 होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, संबुद्धि एक होता है, संबोधन का जो एक वचन होता है उसको बोलते हैं एक वचनम संबुद्धि, यानी संबोधन का जो एक वचन होता है एक वचनम संबुद्धि उसको संबुद्धि कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा लेकिन ध्यान रहे सर्वनाम स्थान 4 नहीं होते, सर्वनाम स्थान 5 होते हैं, क्योंकि सूत्र कहता है सुट अनपुंसकस्य, सुट अनपुंसकस्य, 5 जो प्रत्यय होते हैं उनकी नपुंसक लिंग को छोड़ करके सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, सुट अनपुंसक से सु औ जस अम आउट, तो सु के सु से लेकर के आउट के ट तक चले जाओ, सु औ जस अम आउट, इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा सुट अनपुंसक से सूत्र से होती है। उत्सर्ग करते थे, उत्सर्ग किसको कहते हैं व्याकरण शास्त्र में, तो प्यारे साथियों याद रखना उत्सर्ग का मतलब सामान्य नियम होता है, सामान्य नियम को हमेशा उत्सर्ग कहा जाता है और विशेष नियम को हमेशा अपवाद कहा जाता है। व्याकरण आप पढ़ रहे हैं इन चीजों को आपको ध्यान होना चाहिए कि उत्सर्ग कौन होता है सामान्य नियम, विशेष कौन होता है अपवाद होता है, उभय नहीं आएगा कभी भी, सामान्य नियम उत्सर्ग और विशेष जो विधि अवकाश होता है उसको अपवाद कहा जाता है। सूत्रेण विधीयमानस्य कार्यस्य बोधकम् चिन्हं भवति, जब किसी सूत्र के द्वारा कोई विशेष कार्य किया जाता है तो उसके लिए एक चिन्ह लगाया जाता है, उस चिन्ह का नाम क्या है, तो पूर्वरूप संधि में आपने देखा होगा हम कई बार जैसे हरे प्लस औ करते हैं, तो यहां सूत्र के द्वारा विधीयमान जो कार्य है को आप पूर्व के समान आदेश करते हो, तो वहां पर आप लोग संधि करने के बाद हरे व नहीं लिखते, आप अवग्रह लगा देते हो, तो ये जो एस की आकृति के समान है ये सूत्र के द्वारा विधीयमान कार्य का बोधक होता है कि आपने यह ए को पूर्व का रूप किया है, तो इसको व्याकरण शास्त्र में अवग्रह कहा जाता है और इसकी आकृति अंग्रेजी के एस के समान होती है। उक्त अनुक्त दुरुक्तानाम पदानाम चिंता कुत्र प्रवर्तते, उक्त अनुक्त दुरुक्त यानी जो भगवान पाणिनि ने कहा वो उक्त सूत्र है, अनुक्त जो भगवान पाणिनि ने नहीं कहा और जो भगवान पाणिनि दुरुक्त यानी गलत कहा, उन तीनों की चर्चा जहां की जाती है उस ग्रंथ या उस शास्त्र का नाम बताओ क्या होता है, वार्तिक है। तो वार्तिक के लक्षण में आपने पढ़ा होगा उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञा विचक्षणा या मनीषिणा, ऐसा आपने पढ़ा होगा। अगला सवाल है इण प्रत्याहारे के दृश्य नकार ग्रहीतव्य, जब इण प्रत्याहार और अण प्रत्याहार में संशय होता है तो अण प्रत्याहार दो प्रकार से बनता है, अनुदेश वर्ण से चा प्रत्यय में पहले बाद वाले से और बाकी सभी में पहले वाले से, इण में तो लफड़ा ही नहीं है, इण प्रत्याहार में हमेशा लगा परिणयवाणा ग्रहण, यानी इण प्रत्याहार हमेशा बाद वाले ण से ही लिया जाता है, तो बाद वाला मतलब पर्णकार से ही लिया जाता है, इसलिए ई ऊ रिल री ए ओ आई ओ हय वर इत्यादि सारे सूत्रों का इसमें वर्णों का ग्रहण हो जाता है। तो इण प्रत्याहार किस नकार से, बाद वाले नकार से लिया जाता है, पूर्व और मध्य से नहीं लिया जाता, मध्य का तो कुछ होता ही नहीं। सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपादी अस्ति, संपूर्ण अष्टाध्यायी के 8,000-4,000 सूत्रों को यानी 8 अध्यायों को आपने 32 पादों को दो भागों में बांटा, एक आपने कहा 7.5 अध्याय अलग मामला है और एक आपने 3 पादों का अलग मामला, 3 पाद आपके त्रिपादी कहलाते हैं और 7.5 अध्याय आपके सपाद सप्ताध्यायी कहलाते हैं, वर्गीकरण करके आपने एक अधिकार सूत्र बना दिया पूर्वत्रा सिद्धम, वो कहता है सपाद सप्ताध्यायी के सूत्रों की दृष्टि में त्रिपादी सूत्रों का कार्य कोई मतलब नहीं रखता, यानी इनका किया हुआ बिन किया हुआ है, यानी कहना ये चाहते हैं कि त्रिपादी के सूत्र सपार सप्ताध्याय के प्रति क्या हो जाते हैं अशुद्ध माने जाते हैं, ऐसा पूर्वत्र अशुद्धम नाम का अधिकार सूत्र आपसे निवेदन करता है।
शाकन इत्यस्मिन प्रत्यय शकारस्य संज्ञा केन सूत्र है। शाकन प्रत्यय है, प्रत्यय के आदि में रखने वाला मूर्धन्य शकार है, इसकी संज्ञा किस सूत्र से करोगे आप? अंत में हलवर्ण होता तो हलंत्यम से निवेदन करते। प्रत्यय के आदि में मूर्धन्य शकार, चाहे वो आपका कहीं पर भी आप देख रहे हो, चाहे आप स्म में आप देख रहे हो, यहां पर भी श जाएगा। बौरी समास में स प्रत्यय करते हो या सच प्रत्यय करते हो वहां भी जाता है। शिल्पनी स्वन के नाम से एक आपका प्रत्यय होता है, स्वन वहां भी जाएगा। शाकन प्रत्यय के नाम से जो आपके सामने लिखा है वहां पर भी जाएगा। इस प्रकार स्प में स, सच, स्वन, शिल्पनी आदि जितने भी प्रत्यय आप पढ़ते हो जिनके आगे मूर्धन्य शकार है, वहां सभी की संज्ञा करने का ठेकादार सह प्रत्यय से होता है। प्रत्याहार नाम प्रयोजनम अस्ति, प्रत्याहारों का प्रयोजन क्या है? आप सब जानते हैं प्रत्याहारों का प्रयोजन होता है, प्रत्याहारों से आगे जाकर व्याकरण के सूत्र बनते हैं और सूत्रों से हमारी संस्कृत व्याकरण व्यवस्थित होती है। बहुत लंबी चौड़ी बात को प्रत्याहारों से कह देने पर हमारा शास्त्र लागव हो जाता है, यानी प्रत्याहार करने से जो बड़ी बड़ी बात आयु हो आयु इतना कहो, हमने शॉर्टकट में अच कह दिया, आपने कहा और मैंने इतनी लंबा चौड़ा बात को फट से कह दिया मैंने हल, और सारे वर्ण बोलने की बजाय मैंने शॉर्टकट में कह दिया अल, कितना शॉर्टकट हो जाता है। तो शॉर्टकट होना यानी शास्त्र लाघव के लिए हम लोग प्रत्याहारों का प्रयोग करते हैं। कस्मिन सूत्रे स्थितो अकार है इस संज्ञा को अस्ति न केवलम उच्चारणार्थम, कौन सा महेश्वर सूत्र है जिसमें पाया जाने वाला अ केवल उच्चारण के लिए नहीं होता बल्कि उसकी संज्ञा भी होती है? तो आपने खूब पढ़ा है कि र प्रत्याहार बनाने के लिए लण सूत्र में जो मध्यवर्ती लकार में जो अकार है इसकी संज्ञा का विधान किया जाता है। तो इसका उच्चारण केवल हय वगैरह इत्यादि के समान केवल उच्चारण नहीं, उच्चारण तो होता ही है के सानिध्य से, लेकिन इसका एक विशेष प्रयोजन इस संज्ञा करना है जिसकी वजह से आगे जाकर एक प्रत्याहार बनता है, इसका नाम र प्रत्याहार होता है। अगला है उपदेशेषु न परिगण्यते, उपदेशों में किसकी गणना नहीं आती है? उपदेश में धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम, तो धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम, लेकिन प्रवचनम का कहीं पर भी उपदेश में पाठ नहीं होता है। कौन बताएगा कि उपदेश कितने बताए गए? फटाफट से मुझे बताओ उपदेश कितने हैं, ऐसा परीक्षा में सवाल आ जाए क्या जवाब दोगे? उपदेशे किदृशस्य अचः संज्ञा भवति, उपदेशे मतलब उपदेश अवस्था में किस प्रकार के स्वर की संज्ञा होती है? तो आपको सूत्र याद करना है, सूत्र का नाम है उपदेशे अच अनुनासिक इत, यानी अनुनासिक जो स्वर होता है उसी की संज्ञा का विधान किया गया है। ये क्या हो गया, इसको बीमार कैसे हो गया? तो सूत्र आपको याद करना होता है, सूत्र आप याद करोगे आपका काम चल जाएगा, इसमें तो लफड़ा हो गया, बोर्ड हैंग हो गया। चलो अपना काम ऐसे चला लेंगे, दो ही सूत्र की, दो ही प्रश्नों की चर्चा हम करनी है। तो उपदेश अवस्था में कैसे अच की संज्ञा होती है, तो आपको सूत्र याद करना उपदेश से अजनुनासिक इत, ऐसा आपको पढ़ना था। तो बताइए उपदेश अवस्था में कैसा स्वर होना चाहिए? अनुनासिक होना चाहिए। अनुनासिक और अनुनासिक में फर्क क्या है? मुख सहित नासिका से जिनका उच्चारण होता है वो अनुनासिक कहलाते हैं, ऐसे। और जो बिना केवल नासिका के केवल मुख से उच्चारण होते हैं उनका नाम अनुनासिक होता है। तो अनुनासिक स्वर का ही, यानी इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, आपका नंबर एक हो जाएगा। बाल मनोरमा लेखक को अस्ति, बाल मनोरमा नामक की जो रचना मैंने अभी भी कही थी आपसे, उसका लेखक कौन है? तो बाल मनोरमा जो सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या ग्रंथ है उसके लेखक का नाम वासुदेव दीक्षित है, उसके लेखक का नाम वासुदेव दीक्षित है। चलिए उपदेश में लिखा है महिमा चौधरी ने कि सर उपदेश न होते हैं, बहुत अच्छी बात है। धातु सूत्र गण उनादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश, ये कुल मिलाकर के नौ उपदेश आपके कहे गए, राजस्थानी छोरा भी कह रहा है। चलिए मेरे पास अभी भी आपके लिए 38 सवाल हैं, लेकिन मैं आज इनको यही विराम दूंगा क्योंकि कल की क्लास हम करेंगे इसके संज्ञा प्रकरण की समाप्ति। परसों की कक्षा से, यानी लगभग आपका शनिवार की कक्षा से, हम लोग रीट वालों के लिए भी कुछ लेकर चलते हैं। बोर्ड हैंग हो गया, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, हो गया हैंग हो गया। तो हम परसों की क्लास से, यानी जल्दी ही आपके लिए जो है संज्ञा प्रकरण को छोड़ करके हम संधि आदि में प्रवेश करेंगे, और संधि आदि के साथ में आपको बहुत कुछ चीजें मैं सिखाने वाला हूं। संधि में हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी व्यवस्थाओं को बदल रहे हैं, और व्यवस्था इसलिए बदल रहे हैं ताकि रीट वाले साथियों को भी लाभ हो सके, उनका भी पढ़ने का मन है। मैं देख रहा हूँ कमेंट्स बार बार आ रहे हैं, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कल शुक्रवार है, वैसे शुक्रवार ही शायद कल, हाँ। तो शनिवार से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक तो हम टॉपिक टेस्ट रखेंगे, जो ऑनलाइन भी आप देख पा रहे होंगे वो आपका ऑनलाइन टॉपिक टेस्ट भी रहेगा। टॉपिक टेस्ट में हम लोग शनिवार की कक्षा से संधि स्टार्ट कर रहे हैं, और संधि के जो भी सवाल मैं आपका टेस्ट पेपर में यहाँ लूंगा वो सारे के सारे संधि के सवाल आपके रीट लेवल के भी काम के होंगे, आपके ग्रेड सेकंड और फर्स्ट के काम के भी होंगे, यानी दोनों ही रूपों में आपके सारे चीजें काम आएंगी, तो इससे किसी को निराशा भी नहीं होगी। हम सरल और कठिन का सामंजस्य करके रीट उपयोगी प्रश्नों को और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड उपयोगी प्रश्नों को, जो रीट में आना है वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आना ही है। मुझे ये भी पता है कि ज्यादातर लोग इस समय रीट की तैयारी में जुटे हैं, इसलिए मैं
ये काम करने जा रहा हूं, संधि संधि के बाद समास प्रत्यय जो भी अनुवाद अशुद्धि संशोधन जो भी हमारे प्रश्न होंगे, तो शनिवार को हम क्या करने वाले हैं 7:15 या 7:30 बजे से टॉपिक टेस्ट का आयोजन करने जा रहे हैं। टॉपिक टेस्ट के अंतर्गत हम एक काम और करने वाले हैं, 50 या 60 सवालों को जो हम टारगेट करते हैं वो टारगेट करेंगे, लेकिन इसके साथ में मैं एक चीज अब और बढ़ाने वाला हूं। एक चीज ये बढ़ाने वाला हूं कि टॉपिक टेस्ट के साथ साथ रीट वालों के लिए जब आप पढ़ने का मन बना ही रहे हो तो फिर मैं भी थोड़ा सा आपके लिए समय दे ही देता हूं, क्योंकि वैसे भी आप 45 मिनट में 60 सवाल पूरे हो जाते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए तो आपको टॉपिक टेस्ट सीरीज मिली रही है, रीट वालों के लिए भी टॉपिक टेस्ट सीरीज ये सेम टू सेम लेवल की मिली रही है, और रीट वालों के लिए एक्स्ट्रा एक काम कर लेते हैं अपन, संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित, यानी कि जो पाठ्यक्रम में आपके 30 प्रश्न आते हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम को आधार मान करके संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित भी हम एक टेस्ट पेपर डेली का आयोजित कर लेते हैं, यानी डेली आपके पास में गद्यांश पद्यांश आदि को समायोजित करके जो एक पेपर आपका आता है उसको भी हम लेते हैं। इसके लिए मुझे 2 क्लास लगानी पड़ेगी, कोई बात नहीं मैं लगा लूंगा। अब हम 50 प्रश्नों के साथ ही टॉपिक टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद में हम संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित रीट को आधार मान करके एक टेस्ट का आयोजन करेंगे। पहले हम करेंगे 8 बजे तक टॉपिक टेस्ट का कार्यक्रम, चाहे 7:15 बजे कक्षा स्टार्ट हो, चाहे 8 बजे कक्षा स्टार्ट हो, 7:30 बजे हो, चाहे 7:15 बजे कक्षा स्टार्ट हो, ऑफलाइन कक्षा 7 बजे पूरी होती है आपको पता है, 7:15 से और 7:30 से लेकर 8 बजे तक 50 प्रश्न हम रेट ग्रेड सेकंड और फर्स्ट के लेवल के सेम डिटो जो सब जगह समान रूप से उपयोगी होंगे उनका टॉपिक टेस्ट करेंगे। 50 प्रश्नों का खात्मा करने के बाद 8 बजे से लेकर के मैं रेट का संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित टेस्ट पेपर आपके लिए चालू कर दूंगा। 8, 8:30, 9 यानी लगभग 40 मिनट की कक्षा आपकी इसकी होगी। इस प्रकार से आप डेली मेरे से 1.5-2 घंटे मेरे से आप टॉपिक टेस्ट सीरीज भी सुनेंगे और साथ में संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित रीट का पाठ्यक्रम भी सुनेंगे। रीट पहले हो जाएगी, उसके बाद हम जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर तक फर्स्ट ग्रेड को और सेकंड ग्रेड को ही टारगेट करेंगे और नवंबर दिसंबर तक सेकंड ग्रेड को टारगेट करते रहेंगे। मैं चाहता हूं बस इसके लिए आप थोड़ा सहयोग करें, क्लास को शेयर वगैरह कर दिया करो। मुझे नहीं पता इस समय कितने लोग देख रहे हैं, अच्छा लगा लेकिन कल मैं देख रहा था अच्छी संख्या में आप लोग जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे रीट वालों की थोड़ी शिकायत है कि सर हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे, करेंगे हम। आप लोगों को लगता है कि संघर्ष आप ही के जीवन में, बिल्कुल झूठ है। हम आपके सामने खड़े हैं, कैमरे के सामने सब अच्छा लग रहा होगा आपको कि बढ़िया नौकरी गुरुजी के पास में और बढ़िया पढ़ा लेते हैं, सब काम अच्छा चल रहा हो, सब अच्छा है, लेकिन यहाँ खड़े रहने के पीछे हमें कितना, और मुझे तो पता नहीं कि भगवान ने, मैं खुद ये मान लिया हूं कि भाग्य मेरा ठीक नहीं है, लेकिन मैं कर्म से पुरुषार्थ से जो भी प्राप्त करता हूं करना चाहता हूं उसको करूंगा। जब तक हम लोग मेहनत करने की सोचते हैं ठानते हैं तब तक काम होता जाता है, और हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो कैसे पार पड़ेगी। तो शनिवार से हम लोग आपके लिए विशेष ये प्रोग्राम बना रहे हैं, आशा करता हूं कि आप लोग जुड़ेंगे। यदि ईमानदारी से आप आर से पार सीरीज में बने रहोगे तो आपका रेट का पेपर भी पूरा मिलेगा गारंटी के साथ, और साथ में जो अन्य आप परीक्षाओं की तैयारी करें ग्रेड सेकंड फर्स्ट वो भी आपको मिलेगा। रेट में जुलाई के 15, 20 जुलाई, 25 जुलाई के बाद आपका रीट का मामला समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम जो हमारे कठिन लेवल के जो प्रश्न हैं जो केवल वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता में ही काम आएंगे वो सीरीज हमारी कंटिन्यू आगे बढ़ती रहेगी, और बढ़िया आप लोग साथ देंगे तो निश्चित रूप से मैं ये काम करूंगा। 1.5 घंटे क्लास ले लूंगा तो 100-100 प्रश्न भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, 14,000 प्रश्न है, बढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, आप लोग जितना साथ देंगे मैं आपके साथ बढ़ता जाऊंगा। तो क्लास को आप शेयर जरूर करना, और शनिवार से अच्छी तादाद में आप रीट वाले भी और साथ में जो बाकी ग्रेड सेकंड फर्स्ट वाले आप सभी जुड़िएगा। ये व्यवस्था आपकी ऑनलाइन टेस्ट पेपर के रूप में भी रहेगी, यानी हम एक अलग से रीट का फोल्डर बनाएंगे निशुल्क टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ही, जिसमें आप रीट का भी टेस्ट पेपर यदि देना चाहते हो तो ऑनलाइन आपका डेली का एक टेस्ट डाला जाएगा। टॉपिक टेस्ट हमारा जो डलता है वो मैं आपको बता ही दिया कि व्याख्या के लिए 2-3 दिन में एक टेस्ट पेपर आपका डालते हैं, 1 रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं। आप सब्सक्रिप्शन 1 रुपया दे भी देते हो तो उससे आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, ये फायदा आपको होता है, इससे पता चल जाता है कि टेस्ट डल गया टेस्ट दे लिया जाए, और आप नहीं खरीदोगे 1 रुपये में तो फिर वो आपका टेस्ट का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। अब शनिवार से क्या होगा, आपको 2-2 टेस्ट देने हैं, ऑनलाइन भी देने हैं आपको। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके निशुल्क टेस्ट वाले ऐप जाने का और वहां जाने के बाद में आप उसके अंदर टेस्ट को आराम से दीजिए। वहां 2 टेस्ट दिखाई देंगे ग्रेड सेकंड फर्स्ट से मिलता जुलता और रीट टॉपिक का भी, और साथ में संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित रीट का भी, अलग अलग फोल्डर है, आराम से आप टेस्ट दो, पढ़ो आप, ईश्वर करे कि आपकी पढ़ाई सार्थक हो, आपका पढ़ा हुआ गुण करे, भगवान आपको नौकरी दे, और इसमें रामकुमार जितना आपका सहयोग कर सकता है, जितना मैं इस वाणी रूपी जो भी मेरे पास दान है इससे मैं आपका जितना सहयोग कर सकता हूं। मैं रीट में जो आप लोगों ने इतना प्यार प्रेम मान सम्मान किया, आज किसी भी गांव ढाणी में जाता हूं तो आप बहुत सारी संख्या मेरे चारों ओर हो जाते हो, मुझे दुआएं देते हो, मेरे माँ बाप के लिए दुआएं देते हो, आपके घर वालों का मुझे आशीर्वाद मिलता है, इससे बढ़कर और क्या गुरुदक्षिणा हो सकती है। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। कोई चर्चा फालतू की हम करेंगे नहीं, आप देख रहे होंगे आजकल मैं क्लासेस पटपन पढ़ाता हूं क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है,
क्या समझाना समझना, जो समझना था समझ लिया और जो समझाना था समझा लिया। अब हम काम करते हैं, आप लोग इतनी लाखों की संख्या में मेरे साथ हैं, बशर्ते थोड़ा क्लास को शेयर वेयर कर दिया करो ताकि क्लास आगे बढ़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभरात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।